नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर, जी टू एस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। माय डियर, लास्ट वीडियो मैंने जो आपको डाला था, जीएस डाला था, उसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्लिक डिफेंस देख रहे थे, जिसमें मेनली माय डियर हमने स्टार्ट किया था नासा से। उसके बाद हम इसरो देखेंगे, उसके बाद हम माय डियर आपका DRDO देखेंगे। हमने माय डियर नासा स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, आज दूसरा वीडियो है जीएस का। ये मेनली माय डियर आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा, छोटे एग्ज़ाम जो भी होते हैं, और आपका जो UP SSC का एग्ज़ाम होगा JEE का, उसमें भी काम आएगा। UP SSC आपका UP PSC AE का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी काम आएगा। टेक्निकल आपका कोल इंडिया लिमिटेड होगा, उसमें भी काम आएगा, और दूसरे एग्ज़ाम से उसमें तो आपका ये काम आएगा ही, ठीक है। तो हमने जो आपको दिखाते हैं जो पिछले में आपका, ये हमारा चैनल है आइडिया GTS Academy का, ये हमारा GTS Academy का चैनल है, आप इसमें जा सकते हैं। टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का है, इसके अलावा नॉन टेक के वीडियो बने हुए हैं जिसको हम प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे आपका। अभी एक वीडियो अपलोड हुआ था GS का, उसके अलावा हम आपको और वीडियो डाल देंगे। इसमें आप नीचे जाएंगे तो आपका ये वीडियो जो है, ये आपको देखिए, ये जो है ये लास्ट में ये GK पार्ट 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ से अगर ना ले पाएँ तो आप प्लेलिस्ट पे जाएगा, मैं आज दूसरा वीडियो अपलोड होगा तो प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आप कमेंट करके माय डियर जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होके अपना वीडियो तैयार कर सकें। ये आप देखेंगे पार्ट 1 जो है आपका साइंस एंड टेक का DRDO का पड़ा हुआ है, ठीक है माय डियर। ऐसे ही मैं GK 1, GK पार्ट 2, GK पार्ट 3 ऐसे करके मैं अपलोड करूँगा, तो आप इसमें जुड़े रहिएगा माय डियर, ताकि हम भी अच्छे से काम कर सकें आपके लिए, और आपको अच्छा लगे जरूर बताइएगा। तो पिछली क्लास में जो मैंने बताया था वो जल्दी से मैं क्विक रिवीजन करता हूँ, और आप डिटेल के लिए देख लीजिएगा। नासा का फॉर्मेशन, जैसे नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। इसमें रॉस्कोसमोस बताया था, रशिया का स्पेस एजेंसी। उसके बाद आपको ये इसका लॉन्च सेंटर है वो कहाँ है, काइमनूर कॉस्मोड्रोम में, जो कि कहाँ है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से हम पहुँचे थे कि कजाकिस्तान कैसा है, वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब कजाकिस्तान के पास जो है कैस्पियन सी है, लैंड लॉक कंट्री की क्या कंडीशन होती है कि वो चारों उस पर कोस्टल बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन कैस्पियन सी है वहाँ पे। कैस्पियन सी एक्चुअल में सी नहीं है, वो लेक है, ठीक है। उसके बाद कैस्पियन सी किससे बाउंड्री शेयर करता है, 5 कंट्रीज़ बताई थी, आप देख लीजिएगा। इंडिया में जो आपकी सॉल्टीस्ट लेक है, वो दुनिया की सबसे सॉल्टीस्ट लेक जो है वो आपका कैस्पियन सी है, इंडिया का सिलिका लेक है, ठीक है। सांबर लेक सबसे खारे पानी की लेक है, उसके सॉल्ट प्रोडक्शन में इंडिया सबसे आगे। फिर तापी बताया था, तापी गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस लाइन की, किसने फंडिंग की थी वो बताया था। उसके बाद फिलीपींस आपका, जहाँ पे ADB बैंक है जिसने फंडिंग की थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। फिलीपींस में कौन सा अवार्ड मिलता है, रहमान मैग्सेसे अवार्ड, जो कि रवीश कुमार को मिला सबसे पहले, आचार्य विनोबा भावे को मिला था, ठीक। कजाकिस्तान को रीनेम किया गया, अभी नूर सुल्तान RLC बता दिया, सूख चुका है। किर्गिस्तान बता दिया था, स्वाजीलैंड की अभी कैपिटल चेंज हुई है वो बता दिया था। PSLV GSLV आपको बता दिया था, फर्स्ट ह्यूमन जो स्पेस में गए हैं यूरी गैगरिन बता दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट फीमेल डॉग जो स्पेस पे गया, नहीं बताया, लाइका शायद। फर्स्ट ह्यूमन जो मून पे गए हैं वो नील एम्स्टोन और एडविन एल्ड्रिन, और आपका पहले इंडियन जो गए थे वो भी आपको बता दिया था। फर्स्ट इंडियन स्पेस में जो गए थे लेफ्टिनेंट या लीडर राकेश शर्मा, ठीक है, USSR के प्रोजेक्ट में गए थे। आज माय डियर हम स्टार्ट करेंगे आपको, ये मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया, आज हम स्टार्ट करेंगे आपको सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। माय डियर आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा माय डियर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर ना अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा क्या दिक्कत आपको फील हो रही है, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर आपका जो सोलर सिस्टम है, आप जानते हैं कि आपका सन के आसपास आपके प्लैनेट होते हैं, मैं पूरा गोल घूमता है, मैं गोल नहीं बना रहा हूँ। सन के बाद आपका जो होता है क्या है, मरकरी जिसको हिंदी में कहते हैं माय डियर बुध, हिंदी में क्या कहते हैं, बुध। दूसरा जो है माय डियर आपका वेनस,
वेनस जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शुक्र, शुक्र। उसके बाद अर्थ है जहाँ हम लोग रहते हैं माय डियर, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी। उसके बाद मास है आपका मास, जिसको हम मंगल कहते हैं, जिसको हम लोग मंगल कहते हैं, मरकरी वेनस अर्थ मास। उसके बाद जुपिटर है माय डियर, जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, मरकरी वेनस अर्थ मास जुपिटर। सैटर्न, उसके बाद सैटर्न, सैटर्न जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शनि कहते हैं, सैटर्न को शनि कहते हैं। उसके बाद यूरेनस है जिसको अरुण कहते हैं, यूरेनस, यूरेनस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरुण हिंदी में कहते हैं। और उसके बाद लास्ट है माय डियर आपका नेपच्यून, जिसको हम वरुण कहते हैं। लास्ट क्या है, नेपच्यून, नेपच्यून जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वरुण। तो ये माय डियर आपके जो है सोलर सिस्टम है। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि जो सन के सबसे पास है वो मरकरी है, ठीक। तो बच्चे सोचते हैं कि मरकरी जो होगा वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वो आपका वेनस है। क्यों माय डियर? वेनस सबसे हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 90% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक, तो आप क्या लिखेंगे हॉटेस्ट में? जल्दी से आपको ये जान गए आप, सन के सबसे पास मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक। तो आपका पहला मरकरी, दूसरा आपका वेनस, तीसरा आपका अर्थ, ठीक है, चौथा आपका मार्स मंगल, पांचवा आपका जुपिटर बृहस्पति, छठवां आपका शनि, सातवां आपका यूरेनस और आठवां आपका नेपच्यून। अब प्लूटो जो है वो सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं रह गया, वो ड्वार्फ प्लैनेट में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन माय डियर जो आप याद रखिएगा कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो आप क्या जवाब देंगे? सबसे गर्म प्लैनेट है वो आपका मरकरी नहीं है। लोग सोचते हैं कि सन के सबसे पास है तो मरकरी होगा, आपका वेनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। वेनस इज द, वेनस इज हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। किस लिए माय डियर, किस वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर देन 90% प्रेजेंस ऑफ, मोर देन 90% CO2 एंड ब्राइटेस्ट इसलिए है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ब्राइटेस्ट इसलिए है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मतलब अधिक, एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है वो हम लोग एनवायरनमेंट में देखेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है। तो ये हम लोग देख लिया मरकरी। अब ये एक पता चल गया मरकरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। नेक्स्ट माय डियर जो क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर प्लैनेट जो घूमते हैं वो आपके वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, केवल ईस्ट से वेस्ट दो प्लैनेट घूमते हैं। तो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट, ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट किन दो प्लैनेट को होता है? आप याद रखिएगा यूवी, यूवी मतलब यूरेनस एंड वेनस, ठीक, वेनस एंड यूरेनस, यूवी याद रहेगा आपको, यूरेनस एंड वेनस। तो यूरेनस मतलब अरुण और वेनस मतलब, वेनस मतलब आपका शुक्र। ये जो हैं ये आपका ईस्ट से वेस्ट, बचे हुए सभी ऑल मूव ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये दोनों जो हैं ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं, मतलब ईस्ट मतलब पूरब से पश्चिम मूव करते हैं। बचे हुए जो हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? बचे हुए सभी आपके मूव करते हैं, बचे हुए सभी आपके मूव करते हैं पश्चिम से पूरब, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये तो आपके इसका उल्टा जो हो जाएगा वो इसका उल्टा मूव करता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग ऑल जो है वो मूव्स इसके उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। मतलब पृथ्वी अपनी कैसी घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब आपके पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है।
अब प्लूटो जो है अब प्लैनेट नहीं रह गया, प्लूटो नाउ इट इज, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना प्लैनेट बोलते हैं, तो ड्वार्फ प्लैनेट में ये चला गया है, क्योंकि प्लैनेट होने के लिए कुछ कंडीशन होती है कि वो सन के अराउंड ऑर्बिट होना चाहिए, उसका सन के अराउंड घूमना चाहिए, चारों साइड घूमता है। जैसे मरकरी अगर बनाना चाहे तो मरकरी क्या है, एक ऑर्बिट बना रखा है सन के अराउंड, ऐसे सबने अपना एक क्या बना रखा है, ऑर्बिट बना रखा है। उसके पास सफिशियंट फोर्स होना चाहिए राउंड करने के लिए, और नेबरहुड उसका क्लियर होना चाहिए, इसे किसी से टकराना चाहिए। तो अदर जो आपके ड्वार्फ प्लैनेट है, एक तो आपको क्या पता चल गया प्लूटो, अदर ड्वार्फ प्लैनेट, या नाम देख लीजिए, शायद एग्जाम में आ जाए। सीरीज, स्मॉलेस्ट है सबसे, एरीज, हॉमिया, और मेक मेक, ये आपके क्या हैं, अदर ड्वार्फ प्लैनेट हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अदर ड्वार्फ प्लूटो के अलावा सीरीज, एरीज, हॉमिया और मेक मेक, ठीक है। अब आपका कौन सा प्लैनेट है जिसमें, कौन सा प्लैनेट है जिसमें आपका मून नहीं है, ठीक है, कौन सा प्लैनेट है जिसमें आपका मून नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कौन सा प्लैनेट जिसमें मून नहीं है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, सोलर सिस्टम आपको दिख जाए इसलिए मैं ये मिटा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, ये आपका सोलर सिस्टम ये मौजूद है, ठीक है। अब कौन से प्लैनेट में मून नहीं है, तो मून आपके वेनस और मरकरी, मतलब शुक्र और बुध में आपका मून नहीं है, नो मून, प्लैनेट जो है, नो मून प्लैनेट कौन कौन से हैं आपके, नो मून प्लैनेट में आपका है वेनस एंड मरकरी, वेनस एंड मरकरी याद रखिएगा, वेनस एंड मरकरी में कोई मून नहीं है। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका पहला वाला है जिसको मरकरी कहते हैं और हिंदी में बुध कहते हैं, ठीक है, मरकरी या हिंदी में बुध। आपका लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है ये अगर पूछा जाए, तो लार्जेस्ट प्लैनेट में आप लिखेंगे, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है पता है आप लोगों को, नाम बताइए, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति, जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, ठीक है। और आपका जो जिसमें मून नहीं वो तो बता दिया, वेनस एंड मरकरी, ठीक है। मास में माय डियर दो मून है, मास में क्या है, दो मून है, मास में आपके दो मून है, मास को मंगल कहते हैं, मास में टू मून्स, कौन कौन से दो मून्स हैं, दो मून के नाम याद रखिए, कहीं कहीं पूछ सकता है, फोबोस और डाइमोस। पहला आपका फोबोस, और दूसरा आपका डाइमोस, ये दो मास के और आपके क्या हैं। और सबसे ज़्यादा, लार्ज आपके जो जुपिटर में नंबर ऑफ मून 79 है, सैटर्न में नंबर ऑफ मून 82, ये पूछा नहीं जाएगा, लार्जेस्ट प्लैनेट आपका जुपिटर है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, ट्विन प्लैनेट कौन से हैं, ट्विन प्लैनेट मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, वो प्लैनेट कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा, ट्विन प्लैनेट में वेनस और मरकरी को बोला गया है ट्विन प्लैनेट, इनका साइज एक जैसा है, ये ट्विन प्लैनेट बोले जाते हैं, और इसके अलावा आपका यूरेनस और नेपच्यून एक जैसे दिखते हैं, यूरेनस और नेपच्यून, इनको भी ट्विन प्लैनेट बोला गया है। तो याद रखना, स्टार्टिंग का छोड़ के, यूवी वाल द वेनस और अर्थ, अपना ये ट्विन प्लैनेट एक जैसे दिखते हैं, और नेपच्यून और यूरेनस, अरुण और वरुण, ये एक जैसे दिखते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपके इससे सोलर सिस्टम से बन सकते हैं, आपके दो प्लैनेट यूवी जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, बचे हुए वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अपनी पृथ्वी कैसी घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, मतलब ये वेस्ट है, ये आपको डायरेक्शन पता होगी ना, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो कैसे घूमती है, ये रोटेशन रहता, ये मतलब क्लॉकवाइज, ठीक, ये वेस्ट टू ईस्ट। अब आइडिया दिखेगा यहाँ पे, आपको याद होगा कि अपने देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला हुई थी जिनका नाम था कल्पना चावला, ठीक, कल्पना चावला का एक्सीडेंट किस उसमें हुआ था, कल्पना चावला वॉज डाइड इन कोलंबिया एक्सीडेंट, जो किस साल हुआ था, डाइड इन
कोलंबिया एक्सीडेंट जो कि किस साल हुआ था? 2003 में कोलंबिया एक्सीडेंट, किस ईयर में हुआ था? 2003। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो अर्थ सरफेस है, एटमॉस्फेयर जो होता है, सबसे नीचे आपका अर्थ सरफेस है जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, फिर हाइड्रोस्फेयर पानी, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर पे जाएंगे, आपको ये पता होगा ना। जैसे ये आपका ग्लोब है, ये क्या है आपका ग्लोब, तो ग्लोब में जो आपका सॉलिड है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर इसमें जो पानी मौजूद है समुद्र के रूप में उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर आपको पता होगा माय डियर, समुद्र में पानी कितना है आपका? केवल 2.7% फ्रेश वाटर है, 2.7% फ्रेश वाटर है, और बचा हुआ आपका 97.3% जो है वो आपका ओशियन में वाटर है, समुद्र में, तो उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब उसके ऊपर आपका एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और सबसे ऊपर होता है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो माय डियर आपका जो थर्मोस्फीयर है, उस थर्मोस्फीयर का जो नीचे वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर। उसको मैं येलो कलर से बना रहा हूँ। तो ये जो थर्मोस्फीयर का ही भाग है, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये थर्मोस्फीयर का ही ये नीचे वाला भाग जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर कह सकते हैं, आइनोस्फीयर कह देते हैं। तो जो आपका कल्पना चावला का जो कोलंबिया एक्सीडेंट हुआ था, वो जैसे ही एंटर की थी आइनोस्फीयर में, उनके जो उसमें था रॉकेट में, उसमें आग लग गई थी जिससे वो आ रही थी, जिसकी वजह से उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपका एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी इंडिया की कल्पना चावला जी के साथ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, ये नोट में डाल दीजिएगा, कल्पना चावला वाला नोट में डाल दीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। और ये आपका ये जो ऊपर वाला जो ग्रीन से बनाया, ये सब आपके क्या है? ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक। और ये हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर से रिलेटेड, लिथोस्फीयर मतलब लैंड से रिलेटेड सॉलिड फॉर्म में, ठीक। हम जानते हैं ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटता है, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, ऐसे ही चेंज होता रहता है, ठीक है। ये आप डिस्टेंस वगैरह सब हम एनवायरमेंट में इसको डीपली देखेंगे। अब हम आते हैं आइडिया नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये याद रखिएगा, RLVTD, ये क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर, टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर, ये क्या है माय डियर? ये आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो कि इंडिया ने डेवलप किया है, इसरो ने, ठीक है, इंडिया की एजेंसी इसरो है, इसरो ने इसको डेवलप किया है, और इंडिया वर्ल्ड की चौथी कंट्री बन गई है आफ्टर फोर्थ कंट्री टू डेवलप रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो इससे पहले तीन कंट्रीज ने कौन कौन सी थी व्हीकल, इससे पहले कौन कौन सी तीन कंट्रीज थी? नंबर वन पे थी आपकी अमेरिका, नंबर टू पे थी आपकी रशिया, और नंबर थ्री थी माय डियर चाइना। नाउ हम जो चौथे नंबर पे हैं वो इंडिया, चाइना तो अपना पड़ोसी देश है, चौथे नंबर पे इंडिया जो कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाया है। अपनी एजेंसी कौन सी है? क्यूपर बेल्ट। अब ये आपकी एजेंसी इसरो है, इंडिया की एजेंसी कौन सी है? इसरो, ठीक है। हमने रशिया की एजेंसी पिछले क्लास में बताई थी, रॉस्को इस्मोस, ठीक। अमेरिका पता ही है, नासा, अमेरिका की एजेंसी नासा, ये सब हम लोग जानते हैं माय डियर। नेक्स्ट माय डियर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपको इसरो है माय डियर, इंडिया की इसरो कर लीजिएगा, इसरो, ठीक। नेक्स्ट माय डियर आप देखते हैं,
आपका नेपच्यून जो है, सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून और प्लूटो के बीच में, नेपच्यून और प्लूटो के बीच में एक बेल्ट पड़ती है जिसका नाम होता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट किस किस के बीच में है? नेपच्यून और प्लूटो के बीच में जो बेल्ट है उसको आपको क्यूपर बेल्ट कहते हैं। क्वेश्चन बना है कई बार। नेपच्यून माय डियर वरुण है आपका, वरुण, और प्लूटो तो आपका इस समय प्लैनेट है ही नहीं, इनके बीच में जो आपकी बेल्ट बनती है उसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब माय डियर, जो भी मैंने प्लैनेट सोलर सिस्टम देखा था अभी या इससे पहले, ये चीज़ मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये दोनों ट्विन प्लैनेट्स हैं जो येलो से दिखाया, इसमें रहने योग्य जो अभी तक प्लैनेट मिला है माय डियर, वो रहने योग्य जहाँ पे हम लोग सब लोग रहते हैं वो कौन सा है? अर्थ। ये जो है आपका रहने योग, इसलिए इसमें टेम्परेचर मॉडरेट है इसलिए हम लोग रह पाते हैं। अगर टेम्परेचर यहाँ पे बहुत अधिक हो जाए तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? हैबिटेबल जोन कहते हैं जो कि रहने योग्य है। इसके अलावा अभी कोई प्लैनेट नहीं है जो कि रहने योग्य है, ठीक है माय डियर? तो ये याद रखिएगा आप कि ये रहने योग्य नहीं है। नेक्स्ट माय डियर देखते हैं, कुछ मून्स जो हैं वो देखेंगे हम, जैसे जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून के कुछ मून्स देखेंगे, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो मैं वो देखने जा रहा हूँ, ठीक है? हेडिंग डालिएगा नेम ऑफ मून्स, नेम ऑफ मून्स, नेम ऑफ मून्स। जैसे कि पहला याद रखिएगा, जुपिटर में कौन कौन से मून है वो आप देखते हैं, जुपिटर में कौन कौन से मून है याद रखिएगा। जो कैलिस्टो, एक जो मून है, एक आपका कैलिस्टो मून है, एक आपका यूरोपा मून है, यूरोपा मून है, और एक आपका गनमेडी मून है, गन मेडे मून है, ठीक। उसके बाद आपका सैटर्न के कुछ याद रखिएगा, सैटर्न में जो मून है टाइटन और एनसेलेडस, एनसेलेडस। नेपच्यून के, नेपच्यून का याद रखिएगा टाइटन। माय डियर जीएस बहुत वॉस्ट है, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, छोड़ कर नहीं जाना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? यूरोपा, ठीक है, एनकेलेडस और ट्राइटन, ये तीन मून ऐसे हैं जहाँ पे नासा एविडेंस पाया है हैविंग लिक्विड वाटर पॉसिबिलिटी। इन तीनों पे नासा को लगा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा नासा को यहाँ पे फील हुआ है कि यहाँ पे लिक्विड की पॉसिबिलिटी है। अब माय डियर, जो हम नासा कंटिन्यू कर रहे थे, तो नासा के कुछ स्पेस क्राफ्ट या नासा मिशन हम लोग देखते हैं, कुछ हम लोग देखेंगे क्या नासा के मिशन, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, मिशन से क्वेश्चन बनेगा। नासा के कुछ मिशंस, नासा मिशंस या फिर नासा स्पेस क्राफ्ट्स, स्पेस क्राफ्ट्स क्वेश्चन बन सकते हैं, नासा मिशन एंड नासा स्पेस क्राफ्ट। पहला याद रखिएगा मैसेंजर, मैसेंजर ये पूरा हो चुका है, मैसेंजर मरकरी के लिए गया था, किसके लिए? मरकरी, पहला प्लैनेट जो है। दूसरा आपका मैगेनोव, वेनस के लिए गया था, मैगेलोव वेनस के लिए गया था। मैवेन, ये इम्पोर्टेंट है, मैवेन, मैवेन ये मार्स के लिए गया था, किसके लिए? मार्स के लिए, मंगल के लिए। इसमें मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन देखा गया था। इसमें जो रोवर, जिसको रॉबर्ट कहते हैं, इसमें जो रोवर यूज़ किया गया, रोवर, रोवर मतलब रोबर्ट, उसका नाम था क्यूरिसिटी रोवर, क्यूरिसिटी रोवर, ठीक है। और आपका जूनो जो था, जूनो वो जुपिटर के रिगार्डिंग था, जूनो नाम से ही क्लियर है, जूनो किसके लिए? जुपिटर के लिए, ठीक है।
और इसमें जूनो में जो है वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ था, जूनो में वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर पावर स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ था, स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ था ठीक। और आप याद रखिएगा इसमें, अब अभी जो है चाइना जो है वो आर्टिफिशियल मून बनाने की बात कर रहा है, चाइना जो है वो आर्टिफिशियल मून बनाने की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल मून मतलब ये अलग ही दिशा में चल रहा है माय डियर। इसको चाहिए कि हमें मून बनाएंगे वो भी आर्टिफिशियल ठीक है। और आपका जो तीन और याद रखिएगा, अपोलो, लाडी और सर्वेयर, ये किसके लिए गए थे? ये गए थे मून के लिए, अपोलो अपोलो लाडी एंड सर्वेयर, सर्वेयर ये तीन किसके लिए गए थे? ये तीन गए थे मून के लिए ठीक, मून के लिए याद रखिएगा ठीक है। और आपको ये तो बता ही दिया मैंने, आपको जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी। अब माय डियर आगे देखते हैं, कुछ आपके मिशंस थे नासा के जो इम्पोर्टेंट थे। एक एक मिशन और याद रखिएगा, वो यागर, वो यागर क्या है माय डियर? वो यागर इसमें क्या है भाई है ये? वो यागर टू स्टडी अबाउट द आउटर प्लैनेट्स ठीक है। इसमें क्या स्टडी करना था? स्टडी अबाउट आउटर प्लैनेट्स, स्टडी अबाउट आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए वॉगर भेजा गया था। इसने डिस्कवर किया था यूरेनस एंड नेपचून, वॉगर टू ने डिस्कवर किया था क्या? वॉगर टू ने यूरेनस एंड नेपचून, यूरेनस एंड नेपचून की खोज किसने की थी? वो येगर प्रोजेक्ट ने ठीक है, जो कि किसके लिए भेजा गया था? आउटर प्लैनेट की स्टडी करने के लिए ठीक है माय डियर। अब हम नासा के कुछ स्पेस टेलीस्कोप देखेंगे, नासा के कुछ स्पेस टेलीस्कोप ठीक है, नासा के कुछ स्पेस टेलीस्कोप ठीक है देखते हैं। नासाज स्पेस टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में मेनली हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका केपलर, केपलर टेस, हबल और जेम्स वेब, जेम्स वेब ठीक है। केपलर जो है वो डीकमीशन कर दिया गया, ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे नहीं, मैंने बता दिया आपको याद रखने के लिए ठीक है। ये याद रखिएगा निसार, निसार क्या है? ये जॉइंट प्रोग्राम है किसका? नासा एंड इसरो, जॉइंट वेंचर ऑफ नासा एंड इसरो, जॉइंट वेंचर ऑफ नासा एंड इसरो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर था आपका निसार ठीक है। अब एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, कलाम सेट, एक सेट है आपकी जिस सेटेलाइट कलाम सेट जिसका नाम दिया है, ये आपकी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेटेलाइट है, दुनिया की सबसे छोटी सेटेलाइट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेटेलाइट। और गर्व की बात यह है कि अपने इंडिया में एक 17 साल के बालक ने इसको बनाया है, डेवलप्ड बाय रिफात शाहरुख, तमिलनाडु के हैं ये और 17 ईयर ओल्ड हैं। इन्होंने कलाम सेट नाम दिया उसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। तो इम्पोर्टेंट है कलाम सेट जो है ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेटेलाइट है, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेटेलाइट लॉन्च बाय जिसने सेटेलाइट की, जिसने खोज की है उसका नाम है, इसको लॉन्च किसने किया माय डियर? लॉन्च बाय इसरो, लॉन्च किया है इसको इसरो ने, लॉन्च्ड बाय इसरो, नासा अमेरिकन एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। अब इंडिया वाले भी इसको लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो है वो कलाम सैट है जो कि इंडिया में बनी है। उसके बाद वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट रॉकेट, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रॉकेट, स्मॉलेस्ट रॉकेट ये जो है माय डियर जापान का है आपका,
SS520 किसका है? जापान का। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, ये जापान याद रखिएगा नाम, SS520। रॉकेट टू कैरी, किस लिए है ये? कैरी सेटेलाइट, कैरी सेटेलाइट, कैरी सेटेलाइट। जैक्सा जो है वो जापान की एजेंसी है, जैक्सा जो है जापान एरोस्को, जापान कंपनी ऑफ एरोस्कोप, एरोस्पेस, जापान कंपनी ऑफ एरोस्पेस। ठीक है, ये माय डियर कुछ बातें थी आपके साथ, और मैं आगे देखता हूँ आपका, थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोड़ूंगा अभी। यहाँ पे देखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे फर्स्ट 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 की बात हो रही, वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर फ्लोटिंग, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है? रशिया में। न्यूक्लियर रिएक्टर बोल दो एक तरीके से, रिएक्टर, रिएक्टर कहाँ पे माय डियर? रशिया में। कहाँ पे है? रशिया में, रशिया में। क्या नाम है इसका? नाम भी याद रखिएगा, एकेडमिक, एकेडमिक लोमोनोसो, लोमोनोसो, एकेडमिक लोमोनोसो, जो कि कहाँ पे है? रशिया में। जब वर्ल्ड के फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर की बात हुई है, रशिया याद रखिएगा, एकेडमिक लोमोनोसो, तो एक पॉइंट जो इंडिया में है वो भी याद रखिएगा, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क अपने इंडिया में है। ये कहाँ पे? मणिपुर में, जिसको कहते हैं केबुलमजाओ, केबुल, फिर से लिख रहे हैं, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, केबुलमजाओ, केबुलमजाओ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ पे है माय डियर? मणिपुर की लोकटक लेक में, लोकटक लेक कहाँ की? मणिपुर की। अब माय डियर बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर का थोड़ा सा जिक्र हो जाना चाहिए। अब केबुलमजाओ नेशनल पार्क और किस चीज़ के लिए फेमस है, ये भी बात हो जाना चाहिए। तो केबुलमजाओ नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसमें पाए जाते हैं क्या? संघाई डियर, संघाई डियर, जिनको हम डांसिंग डियर भी कहते हैं, जिनको हम डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। अब माय डियर बात जब आई है मणिपुर की, तो ये याद रखिएगा, लोकटक लेक कहाँ पे है? मणिपुर में, जिसमें वर्ल्ड का फर्स्ट आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क मौजूद है। अब जब बात माय डियर मणिपुर की आई है, तो मणिपुर से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। आपको पता होगा शर्मिला आयरम, नाम सुना है, इंडिया की हैं, शर्मिला आयरम, ये लेडीज थी जिन्होंने 16 साल तक का, 16 ईयर अगेंस्ट किया था, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट किया था इन्होंने 16 ईयर्स का, किसके अगेंस्ट? आप्सपा के अगेंस्ट। कहाँ की है? मणिपुर की। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आप्सपा कानून है अपने इंडिया में, जो कि जब नासा बनाया 1958 तब का है। आप्सपा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसमें क्या होता है माय डियर, जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको कुछ स्पेशल पावर दी गई हैं, जिससे वो वहाँ के किसी भी इंसान पे डाउट होता है तो उसको गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर सकती है बिना किसी के परमिशन लिए। तो इन्होंने, शर्मिला आयरम ने, अगेंस्ट आसपा, अगेंस्ट आपसपा क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था कि मणिपुर से आपसपा हटाई जाए, लेकिन इसको हटाया नहीं गया था। इन्होंने फाइनली अपना अनशन तोड़ा था, ठीक है, भूख हड़ताल पे थी, नली से इनके नोज से इनको फूट दिया जाता था, लेकिन इन्होंने तोड़ा तो आश्वासन के बाद, लेकिन हटा नहीं। इन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन ये चुनाव में जीत नहीं पाए, ठीक है। तो आपसपा, देखिए
आपको ये पता है नॉर्थ ईस्ट में जो आपका, मैं थोड़ा सा स्कोप कर देता हूँ, 1958 याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट में आपको जैसे पता होगा कि इंडिया का जो आपका मैप है कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे जाके ये कुछ ऐसा, ये कुछ चिकन नेक बनती है यहाँ पे, पूरा नहीं बना रहा है ठीक, आप अपना समझ लीजिएगा कि ये कुछ ऐसा ठीक। कुछ मैं इस साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात कर रहा हूँ किस साइड की, नॉर्थ ईस्ट की। तो ये पॉइंट जो, इसको क्या कहते हैं, चिकन नेक कहते हैं, इसको चिकन नेक कहते हैं, मतलब बहुत पतला भाग है। इसलिए आपको पता होगा टॉप में अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो यहाँ कहीं आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा ठीक है, यहाँ आपका आसाम है, आसाम, और यहाँ पे आपका क्या है बीच में, मेघालय। तो आपकी आफ्सपा कहाँ कहाँ लगी हुई है, देखिए यहाँ पे आपका सिक्किम होता है, सिक्किम में आफ्सपा कभी नहीं लगी। सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ, 1975 में। आपको संविधान से पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से, कि अपने देश में कोई शामिल तो हो सकता है, किसी भी राज्य को शामिल तो किया जा सकता है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने को तैयार हो, भारत के संविधान को मानने को तैयार हो, उसके शामिल होने का तो प्रोसेस है, लेकिन उसको संघ को, यू मतलब भारत के यूनियन को ज्वाइन करने के बाद अलग होने के कोई रास्ते नहीं है। आप मिल तो सकते हैं लेकिन फिर वापस नहीं जा सकते, कि अपने संविधान में मेंशन है ठीक है। तो जोड़ा तो जा सकता है लेकिन कभी किसी को हटाया नहीं है, मतलब आ तो सकते हो अपनी मर्जी से लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हो। तो त्रिपुरा को फ्री कर दिया गया था, त्रिपुरा को फ्री कर दिया था, आप्सपा फ्री 2015 में ठीक है। मेघालय को भी फ्री कर दिया गया है, मेघालय को भी फ्री कर दिया गया है, फ्री है ये भी, आप्सपा फ्री है। सिक्किम में कभी लगी नहीं, सिक्किम में कभी नहीं लगी। तो प्रश्न ये उठता है, ये भी मान लो फ्री है मतलब कभी लगी नहीं, नेवर इम्पोज्ड, नेवर इम्पोज्ड इन सिक्किम, 1975 में तो जुड़ा ही है ये, नेवर इम्पोज्ड इन सिक्किम, नेवर इम्पोज्ड, नेवर इम्पोज्ड इन सिक्किम। अब बात माई डियर ये होती है कि कहाँ कहाँ पे लागू है, तो आप्सपा कहाँ कहाँ लागू है, आप्सपा जो लगी हुई है वो कहाँ कहाँ है। एक तो जम्मू कश्मीर में लगी हुई है क्योंकि कंडीशन ख़राब थी जम्मू एंड कश्मीर में। उसके अलावा आपके जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसमें लगी हुई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम इन जगह, 1 2 3 4 5 इन जगह आपके, 2 3 4 5 जगह पे आप्सपा लगी। क्वेश्चन बन सकता है किसको फ्री किया गया है, मेघालय को फ्री किया गया और त्रिपुरा को फ्री किया गया ठीक है। अब मेरे आप्सपा पे ये एरिया आते हैं, सिक्किम में कभी नहीं लगी। अब मेघालय की बात हो रही तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मेघालय में क्या है माई डियर, मेघालय ही दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है। मेघालय, मेघालय में क्या है, तीन चीज़ें हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो पहाड़ियाँ हैं ये, खासी एंड जयंतिया ये हिल्स हैं माय डियर। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है आपके, पहले हम बचपन में चेरापूंजी पढ़ा करते थे, तो ये तीन पहाड़ियाँ हैं जिन्होंने कैसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रखा है, ये और ये क्या करती हैं, जो भी वाटर आता है वेस्ट बंगाल से, जो भी उठता है वेस्ट बंगाल के नीचे, जो आपका बे ऑफ बंगाल है वहाँ से जो भी पानी उठता है यहीं पे मेघालय में है, तीनों यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और यहीं बस जाता है। पहले हम चेरा पूंजी पढ़ा करते थे कि चेरा पूंजी जो था वो आपका वेटेस्ट प्लेस था, लेकिन अब बारिश यहाँ पे डेवलपमेंट की वजह से, मेघालय डेवलपमेंट की वजह से अब जो है वो मौसिनराम में बारिश सबसे अधिक होती है। तो ये क्या है, वेटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड, वेटेस्ट प्लेस या फिर वह प्लेस जहाँ पे रेनफॉल सबसे अधिक होता है। एक चीज़ और फाइंड की गई मेघालय में, क्या, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सैंड स्टोन केव, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंड स्टोन केव कहाँ है, कहाँ पे है माय डियर, क्रेमपुरी जिसको कहते हैं वो मेघालय में है, क्रेमपुरी
क्रेम पुरी जो कि कहाँ पे है माय डियर, मेघालय में है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि बुलुमजाओ नेशनल पार्क आपको बता दिया और आपको मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं। माय डियर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ये तो जनरल नॉलेज है, हर फ्रेंड हर इंसान हर स्टूडेंट को आप शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो माय डियर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आपको जैसा भी वीडियो का रिस्पॉन्स हो बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।